तो जो एंजाइम था वो था कीटो रिडक्टेज, क्योंकि हमने इसको रिड्यूस कर दिया, और रिड्यूसिंग के लिए एनएडीपी चाहिए, एनएडीपीएच चाहिए हमें। ये हो गया। अच्छा, अब हमें क्या करना है कि ये हमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप नहीं जाना, इसको भी हटाना है हमने। तो हम क्या करेंगे कि इस हाइड्रोक्सिल ग्रुप को हटाने के लिए हम कुछ ऐसा ऐड करेंगे कि ये एज अ वाटर रिलीज हो जाए। तो हम क्या ऐड करेंगे, डिहाइड्रेटेज। ठीक है, डिहाइड्रेटेज ऐड करेंगे तो क्या करेगा, वाटर रिलीज कर देगा। ये जो इसका एंड बनेगा वो ऐसे होगा कि ये पैन है, सिस्ट है एस एच, और जो पैन की तरफ लगा हुआ था एस सी डबल बॉन्ड विद ओ क्या होगा, सी एच टू, सी एच टू नहीं, अब यहाँ से एक हाइड्रोक्सिल गया तो यहाँ से एक वाटर जाएगा, ऐसा कि डबल बॉन्ड इनके दोनों के दरमियान आ जाएगा, कार्बन नंबर टू और कार्बन नंबर थ्री के दरमियान। ठीक है, सी एच और सी एच थ्री। अब ये तो बन गया अल्फ़ा बीटा अनसेचुरेटेड अनसेचुरेटेड ग्रुप एंजाइम बन गया। ठीक है, अब हमने इस डबल बॉन्ड को भी हटाना है, फिर से हमें एक ऐसा रिडक्टेज डालना पड़ेगा जो कि यहाँ पे वाटर हाइड्रोजन ऐड कर दे और ये भी ख़त्म हो जाए बॉन्ड। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि जो आखिरी ये जन एंजाइम है ये हमारे पास इनऑयल, इनऑयल हमेशा डबल बॉन्ड के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो इनऑयल रिडक्टेज यानी कि डबल बॉन्ड को हम रिड्यूस कर रहे हैं। ठीक है, तो उसका ऐसे बन जाएगा कि ये पैन हो गया और ये सिस्ट हो गया, और ये एस एच और एस एच, वही सी डबल बॉन्ड विद ओ, यहाँ पे डबल बॉन्ड जो था वो ख़त्म हो गया, एक एच इधर आ गया, एक एच इधर आ गया, और एक एच इधर आ गया, और एक एच इधर आ गया, और सी एच थ्री। और जो पिछला था ना, यहाँ पे एंजाइम क्या कौन सा था, इनऑयल रिडक्टेज, और इसके लिए भी हमें क्या चाहिए होगा, एन ए डी पी एच चाहिए होगा। ठीक है, जहाँ जहाँ पर हम रिड्यूस करें वहाँ पर एन ए डी पी एच चाहिए होगा। और इसके बाद ये तो बन गया हमारे पास, तो ये एक हमारे पास एक ऐसा वो बन गया फैटी एसिड बन गया कि जो क्या है, दो कार्बन एक्स्ट्रा हमने इनके डाल दिए स्टार्टिंग, तो हमने किसी एसिटाइल को ऐसे की थी, और एंड में हमारे पास कितने कार्बन आ गए, एक दो तीन चार कार्बन आ गए। इसी तरह हम चेन रिलीज इंक्रीज करते रहते हैं बाय इंड्यूस इंक्लूडिंग वर्ड मैनोलाइल कोए, मैनोलाइल कोए, अनटिल कि हमारे पास पाल्मेटाइल कोए बन जाता है। फिर हम उसको एंजाइम से कैसे रिलीज करते हैं, थायोस्टरेज हम डालते हैं, वो एंजाइम को पूरे इनके ये फर्ज करें, ये सिस्ट है और ये पैन है और यहाँ पे पाल्मेटाइल लगा हुआ है, तो यहाँ पे कट करने के लिए कौन सा होगा, थायोस्टेरेज होगा। तो ये ओवरऑल हमारे पास ओवरऑल फैटी एसिड सिंथेसिस है।